हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सब ठीक ठाक? मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज 11th क्लास बिजनेस स्टडी का हम चैप्टर वन करने जा रहे हैं। बिजनेस स्टडी, बिजनेस स्टडी मीन्स स्टडी ऑफ बिजनेस। बिजनेस यानी बिजीनेस। जब कोई इंसान बिजी रहता है किसी एक्टिविटी में तो हम उसे क्या कहते थे? बिजनेस, कि ये बिजी है। ये बिजनेस जो है ये इंसानों द्वारा इंसानों के लिए किया जाता है, ताकि हम अपनी वांट्स को पूरा कर सकें। हमारी कई इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को करने के लिए हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी, जो हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप भी हैं, अपने अगर आप लोग अपनी एक्टिविटीज़ को देखें तो देखिए, आप कुछ परचेज करते हैं, कुछ सेल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त की हेल्प करते हैं, पापा मम्मी आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ भी अगर आप देखें तो इन एक्टिविटीज़ को अगर हम कैटेगराइज करें, जैसे आप किसी को हेल्प कर रहे हैं तो हो सकता है आपको वहाँ पे बदले में पैसा ना मिले, लेकिन हाँ सेटिस्फेक्शन मिलती है। मान लीजिए कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ बदले में पैसा नहीं मिलता, नहीं हाँ सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन अगर यही पेरेंट्स मान लीजिए कहीं स्कूल में या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, बदले में फीस मिलती है, रिवॉर्ड मिलता है, इनकम मिलती है, तो ये क्या है? तो यहाँ पर बदले में पैसा मिल रहा है। तो होता क्या है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है इनको हम कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स में। एक वो जिनके बदले में पैसा मिलता है, एक वो जिनके बदले में पैसा तो नहीं लेकिन हाँ सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो हम अपने को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। क्योंकि देखो, इंसान की भी खुराक है, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ पैसे से सेटिस्फाई हों, हमें दिमागी तौर से भी अपने आप को संतुष्ट करना होता है। उसके लिए हम कुछ डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं, वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। और अगर वो मान लीजिए टू अर्न मनी, अगर आप पैसा कमाने के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी हम सीधे कह सकते हैं कि ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डन फॉर टू गेट मनी, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अदर देन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स टू गेट सेटिस्फैक्शन, कि हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं। देखिए, अगर मैं इन दोनों को थोड़ा सा और आपको लोगों के साथ डिस्कस करूं, देखिए इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेट सेटिस्फैक्शन। ठीक है, क्या हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं? तो यस, यानी कि वी कैन मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मनी। बट क्या हम लोग अपनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं? नो। यानी दूसरा पॉइंट है हमारा मेजरमेंट, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को वी कैन मेजर बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कांट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड, ड्यूरेशन, कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अपनी लाइफ में, लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा इकोनॉमिक एक्टिविटी को पूरा करने में या इकोनॉमिक एक्टिविटी को करते हुए समय बिताता है। जैसे मान लीजिए आप जॉब करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक आप उसी ऑफिस में रहते हैं, बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में रहते हैं। मान लीजिए आप कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी करते हैं, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं, तो देखिए यानी कोई भी इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी को करते हुए अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बिताता है। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके फ्री टाइम में की जाती है, लेजर टाइम में की जाती है, जब फ्री होते हैं। यानी कह सकते हैं कि भाई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इसमें हमारी लाइफ का बहुत कम हिस्सा लोग बिताते हैं। और रिजल्ट अगर देखें तो एंड रिजल्ट, देखिए होता क्या है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जब भी आप करते हैं तो कुछ ना कुछ देखिए रिजल्ट आता है, गुड्स की फॉर्म में या सर्विस की फॉर्म में। जैसे मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं तो हाँ जी कुछ सामान बन के तैयार होगा जैसे आप बेचेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप सर्विसेज देते हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं तो आप यहाँ पर कोई सामान नहीं बना रहे, लेकिन हाँ जो आपके पेशेंट्स हैं आप उनको सर्विसेज दे रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसका जो एंड रिजल्ट है वो ओनली एंड ओनली आवर सेटिस्फैक्शन, कि ये हम अपने को संतुष्ट करने के लिए एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो हम इसको बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट तीन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। और जितनी भी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है अगर मैं इनको कैटेगराइज करूँ तो हम कह सकते हैं वी डू सोशल एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज, पेट्रोटिज्म एक्टिविटीज, देशभक्ति वाली एक्टिविटीज। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।
और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा हम लोगों को, आपके कमेंट से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।